नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शुरुआत में सबसे पहले बात देशद्रोह के आरोपी कन्हैया की, जिसकी बेल या फिर जेल पर आज फैसला होगा। लेकिन जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया के रिहाई के लिए प्रदर्शन का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। छात्र संगठन एसएफआई ने बिहार में दो ट्रेन रोकी है। दरभंगा में संपर्क क्रांति ट्रेन रोकी गई, जबकि मधुबनी में शहीद एक्सप्रेस को रोका गया। इस बीच कन्हैया की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें चोट की बात सामने आई है। हालांकि इन्हें हल्की खरोंचों के तौर पर लिखा गया है, कोई गंभीर चोट नहीं है। उधर सोशल मीडिया पर जारी जेएनयू के वीडियो पर भी बवाल हो गया है। आरोप है कि इस वीडियो को 9 और 11 फरवरी के वीडियो को आपस में जोड़ा गया है। 9 फरवरी का ऑडियो 11 फरवरी के वीडियो पर इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस बीच दिल्ली पुलिस के रुख भी कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। आज कन्हैया को जमानत मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सुर पिछले कुछ दिनों में बदल गए हैं। कल तक जो सीना ठोक कर कन्हैया के खिलाफ सबूत की बात कर रहे थे, अब उनका यह कहना है कि वो उसकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे। तस्वीर दिखाई जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इस वक्त आपको ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से लेफ्ट छात्र संघों ने एक बार फिर कन्हैया के रिहाई के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। और इस प्रोटेस्ट की तस्वीर आज कुछ बदली हुई थी, क्योंकि ट्रेन को रोका गया है। बिहार की ये तस्वीरें हैं। एक जगह दरभंगा में ट्रेन को रोका गया संपर्क क्रांति को, और दूसरी तरफ मधुबनी में भी छात्रों ने कुछ ऐसा ही किया, जब शहीद एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया। छात्र बकायदा ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए, हाथों में झंडे लिए हुए कन्हैया की रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए। तो ये बदली हुई सूरत आज बिहार में नजर आई। बेगूसराय का रहने वाला है कन्हैया, और वहां पर इस प्रदर्शन को आज अंजाम दिया गया। ये लेफ्ट के छात्र संघ है। तो इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है जमानत याचिका पर, लेकिन जेएनयू में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जेएनयू से ही ये पूरा मामला शुरू हुआ था, ये विवाद शुरू हुआ था जब देश विरोधी नारे लगे। हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त वहां मौजूद है। संजय, आज के दिन में अहम डेवलपमेंट ये होने वाला है कि एक तो जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, और दूसरी बात ये कि जगह जगह प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप वहां पर क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या कुछ आज के दिन में छात्रों की स्ट्रैटेजी रहने वाली है? एडमिन ब्लॉक पर हमेशा सुबह से छात्रों की भीड़ लग जाया करती थी, लेकिन फिलहाल आज अधिकतर छात्र अपने अपने हॉस्टल्स में हैं। उनके या तो अपने फेसबुक और बाकी जो उनके सोशल मीडिया नेटवर्क है उस पर निगाह है, या फिर टेलीविजन पर निगाह है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है इस पर निर्भर करता है। फिलहाल शिक्षकों की हड़ताल तो नहीं है, शिक्षकों की एक दिन की हड़ताल थी, उसके बाद से वो क्लास में जा रहे हैं। छात्र इक्का दुक्का क्लास में जा रहे हैं, लेकिन ओपन क्लासेस जगह जगह होती हैं, उसमें कुछ छात्रों जिनकी मर्जी होती है वो जाते हैं। लेकिन फिलहाल ऊपर से भले यहाँ शांति नजर आ जाए, अंदर अंदर उत्तेजना है, अंदर अंदर उत्सुकता है, और ये जानने की कि आगे कोर्ट का रुख क्या होता है, कब कन्हैया की रिहाई होती है, रिहाई को लेकर क्या शर्तें लगाई जाती हैं, ये सुनवाई में आगे क्या नतीजा आता है उसको लेकर सारे लोग कयास लगा रहे हैं, सारे लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उस पर ही निर्भर करता है कि आगे इनका रुख क्या होगा। बिल्कुल, ये देखना होगा। संजय, आप नजर बनाए रखें, आपके पास हम फिर लौटेंगे। लेकिन इस बीच बेहद अहम किरदार दिल्ली पुलिस का भी है, लेकिन दिल्ली पुलिस का रुख बदला हुआ दिखाई दे रहा है। कन्हैया को जमानत मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सुर पिछले कुछ दिनों में बदल गए हैं। पहले सबूतों की बात हो रही थी कि मजबूत सबूत उनके पास हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जमानत का विरोध नहीं करेंगे। सुनिए पुलिस कमिश्नर का क्या कहना है। मुझे वो कवि प्रदीप का एक वो गाना कह दीजिए जो भी है, मतलब कविता याद आ जाती है, देख तेरे क्या है इंसान की कीमत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, एविडेंस है या नहीं है इसके बारे में दूसरे लोग बता रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है, जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अगर वो आपको कह रहा है कि उसके पास में पर्याप्त सबूत हैं,
तो आपके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो मेरी आप बात मान लो या मेरी बात ना मानो। कन्हैया के बारे में आपने बोला है कि वो देशद्रोही है, ऐसे सबूत मिले? देखिए, मैं इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल नहीं करता। यस, ही ट्रांसग्रेस्ड द डोमेन ऑफ सेक्शन 124A IPC। इसको क्या बोलेंगे अगर सेक्शन 120 को अगर एक्सप्लेन करें? इट इज अ सेडिशियस एक्ट। कन्हैया बिफोर लिविंग फॉर पटियाला हाउस कोर्ट हैड मेड ए स्टेटमेंट इन द शेप ऑफ एन अपील फॉर हिज ब्रदरन्स इन JNU विच DCP साउथ इज रिलीजिंग फॉर इफ आई मे से वाइडर सर्कुलेशन एंड इन केस ही अप्लाइज फॉर कंसिडरिंग दैट ही इज मेकिंग एन अपील एंड ऑल्सो ही इज एक्सप्रेसिंग हिज फेथ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फार एज हिज यू नो एज फार एज मेरिट्स ऑफ दैट केस आर कंसर्न वी विल प्रेजेंट दैट दोज इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट इफ ही अप्लाइज फॉर द बेल वी हैव नो ऑब्जेक्शन इफ ही गेट्स द बेल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अलग अलग मौकों पर ये अलग अलग बयान आपने सुने, लेकिन सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका को लेकर। हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं और ताजा जानकारी के साथ। शिवेंद्र, अभी क्या कुछ चल रहा है कोर्ट में? देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि वो अपोज नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास सबूत है काफी और उसी सबूतों के आधार पर करेंगे, और क्योंकि दबाव लगातार बढ़ रहा था, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी, तो आज जो है दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कोई मांग नहीं करेगी। फिर भी अभी सुनवाई के बाद सबूतों को ध्यान में रखने के बाद सब कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार जमानत दी जाए कि नहीं दी जाए। अभी फिलहाल सुनवाई होने वाली है और प्रोसेस पर चल रहा है, उसके बाद तय होगा कि कोर्ट के जो बचाव पक्ष है उनकी दलीलों के साथ सुनती है। इस बीच किस तरह की तैयारी के साथ दोनों पक्ष आए हैं, किन दलीलों के साथ वो अपना पक्ष आगे रखेंगे? देखिए, बचाव पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला है जिसमें कहा जा सके कि कन्हैया या उसके बहुत करीबी कोई शख्स जो है इस पूरे मामले में शामिल रहा हो, और जो वीडियो की वो बात कर रही है कही जा रही है उसमें भी कहीं साफ नहीं होता है कि कन्हैया का कोई एक्टिव रोल है इसमें। तभी पुलिस जो है उनको दबाने का काम कर रही है, इसलिए वो पूरी सबूत और पूरे कानून की धाराओं का हवाला देते हुए उसकी जमानत की मांग करेंगे और पुलिस उसके हिसाब से अपना गिरफ्त करेगी। जी शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे हम अपडेट्स इस पर लेते रहेंगे। खबर अब लखनऊ से है जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल गांधी